है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो है सेल्फ इंस्क्रिप्शन चैलेंज पार्ट टू, और किसी ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी। इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो में मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ आप इसका पार्ट टू करो। तो बहुत दिन से मैं ये सोच रही थी उसका पार्ट टू लाने का, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, जो वीडियो शूट थे वही मैं बस अपलोड कर दी थी। वो भी अभी मैं बहुत काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट करने बैठी हूँ, तो सोची कि चलिए आपका रिक्वेस्ट पूरा कर देती हूँ, और धीरे धीरे मैं सबका रिक्वेस्ट पूरा करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग आन करके मत भागना। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम अभी तक मेरा ये रिक्वेस्ट पूरा नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी है तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं एक ही दिन अगर बैठती हूँ टाइम निकाल के, तो 3-4 वीडियो एक साथ शूट करती हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मुझे कैसे करना है ये चैलेंज। तो मुझे क्या करना है ना, इस तरह से करना है, और मुझे मैं करूँगी इसका 3-4 राउंड करूँगी मैं देखती हूँ। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं 3 राउंड करूँगी, या ज़्यादा छोटा वीडियो रहेगा तो मैं 4 राउंड कर दूँगी। तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे कि मैं ऐसे करूँगी, और मैं या फिर इस तरह से करती रहूँगी, ऐसे करूँगी मैं, जोर से मारती रहूँगी ताकि मेरे मुँह से जो है वो हवा निकल जाए तो मेरा मुँह जो है वो खुल जाए। तो यही चैलेंज है ये करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं राउंड 1। तो चलिए राउंड फर्स्ट में मेरे मुंह से थोड़ा टाइम लगने के बाद, लगभग 25-30 सेकेंड लगा, उसके बाद फिर ऐसे हो गया। तो अब राउंड 2 ही स्टार्ट करते हैं। तो राउंड 2 में मैं और जल्दी आउट हो गई। अब मैं करती हूँ राउंड 3। ऐसे करते करते ना मेरा पूरा ये सब दर्द होने लगा। तो राउंड 3 भी हो गया मेरा, और अब मैं राउंड 4 करती हूँ। आप लोग बोलिएगा पहले मैं बता ही नहीं, इससे पहले में जो मैं की थी ना, उसमें मैं अलग अलग तरह से की थी, और इस तरह से मैं अलग थी। उसमें मैं बता रही थी पहले कि मैं किस किस तरह से करूँगी, और इसमें मैं क्या है सब मिला के कर रही हूँ मैं सब तरह से। तो राउंड 4 में देखती हूँ कि मैं कितना देर कर पाती हूँ। मैं ज़्यादा देर नहीं कर मतलब कि होल्ड कर पा रही हूँ, देखती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हो गई, और अगर वीडियो ज़्यादा सा भी फनी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर मेरे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, उससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और मैं बता दूँ, इससे पहले मैं एक गैटॉप चैलेंज की थी, तो उसका आंसर था उसका आंसर मैं बता देती हूँ। मैं बोली थी कि मैं 4 यूट्यूबर्स का नाम लूँगी जिसमें से कोई भी लोग नहीं बता पाएँ, तो इसलिए मैं उसका आंसर बता दे रही हूँ। तो उसका आंसर ये था कि कुमकुम द नेचुरल ब्यूटी था, टेस्ट ऑफ स्पाइसेस था। मुझे सही से याद नहीं कि मैं पहले किसका नाम ली थी, कि शायद टेस्ट ऑफ स्पाइसेस ली थी, फिर मैं ली थी कुमकुम द नेचुरल ब्यूटी, और फिर मैं ली थी पूजा ब्यूटी व्लॉग्स, और फिर मैं ली थी प्रिया फैमिली चैनल। और ये चारों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं ये चारों, और बहुत ही अच्छे हैं। सो इनकी वीडियो भी अगर आप लोगों को देखनी होगी तो
जाके देख लीजिएगा यार, मैं इनका नाम बता ही नहीं हूँ आपको। बहुत अच्छा अच्छा कुमकुम का नेचुरल ब्यूटी है, जो वो भी बहुत अच्छा मेकअप करती है, बहुत ज़्यादा। पूजा का भी मेकअप बहुत अच्छा होता है, उसके ब्लॉग भी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। टेस्ट ऑफ स्पाइसेस वो कुकिंग चैनल है, बहुत ही अच्छा कुकिंग करती हैं वो। और प्रिया फैमिली चैनल जो है वो ब्लॉग भी डालती है, कुकिंग भी डालती हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा चैनल है। सो ज़्यादा बातें ना करती हूँ, वीडियो फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।